हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम मिश्र अल्मोड़ा की पहाड़न और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ी पूनम में। तो फ्रेंड्स, आज है मेरा जन्मदिन 24/7 और आपके लिए मैं लेकर आई हूं खेम सिंह मोहन सिंह रौतेला की बाल मिठाई जो कि अल्मोड़ा में है, और साथ में चॉकलेट और ये पत्ते वाली मिठाई भी है, जो मन करे वो खाइए। तो आज क्योंकि मेरा बर्थडे है, इसीलिए मुझे लगा मुझे अपने बर्थडे पर अपने जन्मदाता यानी कि मेरे पापा और मम्मी के बारे में कुछ बात करनी चाहिए, क्योंकि अपने जन्मदिन पर अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लेना सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि हम उन्हीं की वजह से जो है बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और साथ में सबसे पहला प्रणाम मैं सुबह सुबह करूँगी माँ भगवती को, जिन्होंने हर कदम पर मेरा साथ दिया। और मुझे आशा है कि माँ भगवती हमेशा मेरे साथ इसी तरीके से रहेगी, वो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगी, बिल्कुल वैसे जैसे मेरे पापा ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। वो आज भी हैं मेरी आदतों में और वो आदतें मुझे मेरी ज़िंदगी में आगे बढ़ाती हैं। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, ये आज से 3 साल पहले का वीडियो है। मेरे पापा की बरसी के बाद जो मेरा बर्थडे पड़ा था, उसमें मैंने ये अपने बर्थडे वाले दिन अपने पापा को एक छोटा सा ट्रिब्यूट दिया था। अपने बर्थडे का दिन मैंने इसलिए चुना क्योंकि समाज में जो है रीति रिवाज इस तरीके से होते हैं कि बेटी का जो हिस्सा होता है वो मायके में शादी के बाद बहुत हद तक ख़त्म हो जाता है, फैसलों में उसका जो हिस्सा है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। हर किसी के लिए वो किसी ना किसी तरीके से एक बेटी पराई हो जाती है किसी ना किसी लेवल पे आके। लेकिन अपने पेरेंट्स यानी कि जो मेल पेरेंट पापा हैं और जो फीमेल पेरेंट है जो ईजा है, उनके लिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम किसी भी तरीके से बेटी कभी भी पराई नहीं होती है। बेटी को जो है अपने पेरेंट्स के ध्यान रखने का पूरा अधिकार है। वो अपने अपने माता पिता को नहला सकती है, धुला सकती है, उनके कपड़े धो सकती है, उन्हें अपने हाथ से खाना खिला सकती है, और अगर बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है कभी तो उनका मल मूत्र भी वो साफ़ करने का अधिकार रखती है। और समाज जो है इस चीज़ में कभी भी आपको गलत नहीं बोलेगा, और अगर वो आपको गलत बोल रहा है तो वो खुद ही गलत है। तो मैं अपने पापा को एक छोटा सा ट्रिब्यूट देना चाहती थी, और मुझे पता था कि ये चीज़ें आड़े आएंगी क्योंकि मेरी भी शादी हो चुकी है, और एक उनकी मौत के बाद जो है एक बेटी अग्नि जो नहीं दे सकती, जो श्राद्ध नहीं कर सकती है, तो हमारे समाज में जो है और हमारे पहाड़ में जो है वो एक ट्रिब्यूट देना जो है उन्हें थोड़ा सा अटपटा ज़रूर लगेगा। इसलिए मैंने बर्थडे का दिन चुना ताकि ये एक बहाना था सिर्फ मेरा जन्मदिन, और वैसे भी जो है हम बहुत ही मध्यवर्गीय मिडिल क्लास फैमिली से हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से अपना जन्मदिन मनाते हैं, मनाते आए हैं और मनाते रहेंगे। इस दिन को मैंने इसीलिए इस तरीके से मनाया था क्योंकि मैं अपने पापा को ट्रिब्यूट देना चाहती थी, मैं बताना चाहती थी कि मेरे पापा मेरे हीरो क्यों हैं, मैं सबको बताना चाहती थी। और मैं ये भी बताना चाहती थी कि जो एक बेटी होती है वो अपने पिता के लिए जो है मरणोपरांत भी जो है जो करना चाहती है वो कर सकती है, और उसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है आप बहुत ही ध्यान से सुनिए, लीड लगा लीजिए अपने कान में क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें शोर बहुत है, तो आप लीड लगा कर सुनेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से वर्ड सुनाई देंगे और आपको समझ में भी आएगा। सो आप ये वीडियो को देखिए और सुनिए। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है तो जिन्होंने मुझे जन्म दिया उनके बारे में मैं कुछ बातें करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा ये हक भी बनता है और मेरा फर्ज भी। पहले मैं अपने पापा के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मम्मी तो मेरी यहाँ पर है और पापा मेरे हमेशा मेरे साथ रहेंगे। मेरे पिता स्वर्गीय सुंदर सिंह बिष्ट, अब क्योंकि वैसे हमारे बीच नहीं है, वैसे वो हमारे साथ ही है हमेशा, मेरे लिए ये एक बहुत गहरे दुख से ज़्यादा एक बहुत गंभीर हानि थी। मेरे लिए हानि इसलिए थी क्योंकि अब मेरे सिर पर छत नहीं थी,
क्योंकि पिता हमेशा एक छत के समान होते हैं जो तेज धूप, तूफानी हवाओं, बारिश और मौसम की हर मार से और जिंदगी की हर समस्या से हमें बचाते हैं। और मुझे अब ये भी लगता है कि शायद अब मैं बिना झिझके और पूरे हक से किसी से कुछ मांग भी नहीं सकती। मेरे पिता ने हमेशा ढाल बनकर मेरे हर दुख को ना सिर्फ कम किया बल्कि उसे सुख में भी बदला। वो एक बहुत अच्छे और बेहतरीन इंसान थे। उन्होंने जो भी रिश्ता निभाया पूरी जिम्मेदारी और पूरी ईमानदारी से निभाया था। बस वो अपनी भावनाएं कई बार दिखाते नहीं थे क्योंकि उन्हें आदत नहीं थी। और आदमी मेरे ख्याल से ऐसे ही होते हैं, वो अपनी भावनाएं उस तरह से दिखा नहीं पाते जिस तरह से एक औरत दिखा पाती है। जब मैं पापा से बात करती थी, जब मैं उनके साथ रहती थी शादी से पहले या शादी के बाद भी, जब मैं जितना टाइम उनके साथ रही तो मुझे उनमें एक बेहतरीन बेटा भी नज़र आता था। वो गुस्सैल थे और अड़ियल भी थे लेकिन उनके अंदर का स्वभाव बहुत सुंदर था जिसके जो छूट जाता था गुस्से से। पर मैंने जिस तरह से अपने पापा की इस कमी का कारण जाना, हो सकता है आप लोगों ने भी महसूस किया हो। आप सभी के बचपन हमारे बचपन या हमारे बच्चों के बचपन जैसे नहीं होते थे। आप सभी पर बहुत जिम्मेदारियां होती थी और उन्हें आपको निभाना होता था। आज की तरह आप उनसे बच नहीं सकते थे और आप में से कई लोगों ने अपनी स्थिति को बेहतर भी बनाया है और उसको कोशिश की है बेहतर बनाने की। हमारी पीढ़ी पर इतनी जिम्मेदारी नहीं होती, हमें बस अपना एक छोटा सा परिवार देखना होता है। कई बार तो हम उसमें भी बहुत परेशान हो जाते हैं कि तब तो इतना बड़ा परिवार था, इतनी जिम्मेदारियाँ थी, तो शायद वो और पहले कोई मार्गदर्शक भी नहीं होता था जो मार्गदर्शन कर सके किसी का। तो शायद उनमें इतनी जिम्मेदारियों का भाव आया था और उन्होंने अपनी सभी जिम्मेदारियों को बहुत पूरी तरह से और बखूबी निभाया था। लेकिन उनका जो हठी स्वभाव था, मेरे पापा बहुत ज़िद्दी भी थे लेकिन उनकी ज़िद्द को मैंने कई बार सही होते हुए भी देखा था। मैं जैसे जैसे बड़ी होने लगी मैंने देखा कि मेरे पापा 100 लोगों की भरी सभा में भी अकेले किसी बात को लेकर आवाज़ उठाते थे, इसीलिए असल मायने में वो मेरे हीरो थे। वो कभी भी हार नहीं मानते थे और यही मैंने उनसे सीखा। और ये बात मेरे सिवा आप में से कई लोग जानते भी हैं। मैं खुद चाहती हूँ कि मेरा बेटा सिद्धार्थ मेरे पापा की तरह बने। वो हर सिचुएशन का, हर परिस्थिति का डटकर सामना करना सीखे। कमियां सभी में होती हैं पर उनमें भी थी लेकिन उनकी खूबियाँ उनकी कमियों से कहीं ज़्यादा थी। कई लोगों को लगता था और लोग कहते भी हैं और खुद हम भी कहते हैं कि वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, लेकिन मैंने जितना अब क्योंकि मेरा भी एक बेटा है, मैंने जितना जाना शायद वो कुम्हार की तरह थे जो मिट्टी को कसकर पीटकर खाद देकर एक घड़े का या फिर एक मूर्ति का रूप देता है ताकि उस मिट्टी का कुछ मूल्य हो। वो चाहते थे कि मेरे बच्चों की कीमत हो कुछ जब वो बाहर दुनिया में निकले। तो जो शिक्षा एक स्कूल कभी बच्चे को नहीं दे सकता वो उन्होंने हमें दी थी। कभी कभी हमें ये भी लगता है कि और कई लोगों को भी लगता है, हमें भी लगता था हम जब छोटे थे कि मेरी मम्मी कोई भी दुख आता है या कोई दुखी होकर हमारे घर आता है तो कैसे वो दोनों मिलकर काम करते हैं, एक गाड़ी के दो पहियों के समान वो काम करते हैं। हमारे घर में बहुत से लोग बीमार होकर आते थे क्योंकि पहले गोल मार्केट में था वहाँ पर भी एक हॉस्पिटल पास में था, फिर सरोजनी नगर वहाँ पर भी एक हॉस्पिटल पास में था, तो कई लोग आते थे बीमार होकर। उस दौरान मेरे मम्मी और पापा के बीच का जो तालमेल था वो बहुत गजब का था। मैंने देखा था और उन्हीं से सीखा भी था, उसी के कारण आज मेरी शादीशुदा ज़िंदगी सफल है।
मेरे मम्मी पापा का स्वभाव एक से एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। पापा सूरज की तरह तेज थे तो मम्मी किसी पेड़ की ठंडी छाया जैसी, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के पूरक बनकर काम करते थे। मैंने अपने पापा से सीखा था कि कैसे निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा की जाती है और किसी की मदद की जाती है, और मम्मी से सीखा कि कैसे सरलता और सहजता से परिवार को संभाला जाता है। ऐसा नहीं कि वो अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचते थे, पर वो सबसे पहले औरों के बारे में सोचते थे, और मम्मी हमेशा उनके साथ ही देती थी। विरोध करना उनके स्वभाव में है भी नहीं। हम लोग कई बार पापा से ये भी कहते थे कि पापा आपने इतने साल की नौकरी में एक घर भी नहीं दिया, पर मैं सच कहती हूँ अगर मेरे पापा ने सबसे पहले अपने बारे में सोचा होता तो ये काम ज़रूर करते। मैंने कई बार देखा था कि पापा को पैसों की दिक्कत भी होती थी, पर उन्हें मैंने कभी ये कहते भी नहीं सुना कि मुझे कोई आर्थिक परेशानी है। वो बस एक ही बात कहते थे कि सब हो जाता है। उन्हें देखकर मुझे कई बार ही लगता था कि चाहे उनके पास अपना घर नहीं, पर उनसे बड़ा दिलदार मैंने आज तक नहीं देखा। उन्हें पहाड़ से बहुत लगाव था और उनका लगाव इतना सच्चा था, कभी वो उस मिट्टी में मिल भी गए। उन्होंने हमारे गांव वाले घर को एक नया रूप दिया और वो खुश भी बहुत थे, और उनके भाइयों ने भी इसमें उनका पूरा साथ दिया था। उन्होंने हमारे गांव वाले घर में हर सुख सुविधा जुटाने की पूरी कोशिश की, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहाड़ में अपना खूबसूरत और आबाद घर बनाने की सोच अपने आप में बहुत बड़ी है, और मैं अपने पापा की सोच का बहुत सम्मान करती हूँ। पर मेरे पापा बहुत ईमानदार और हिम्मती थे। अगर वो कुछ करना चाहते थे तो कोई साथ हो या ना हो, अकेले ही वो काम शुरू कर देते थे। मेरे पापा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, और हर पिता करता है, पर मेरे पापा ने मेरे लिए बहुत कुछ खास किया था, और उनसे मैंने और मेरे भाइयों ने बहुत कुछ सीखा था। उनकी सीख को मैंने जीवन में जब जब भी लागू किया है, यकीन मानिए उनकी दी गई सीख ने मुझे कभी नीचे नहीं गिरने दिया। पर मैं अपने पापा के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। उनके बच्चे उनके बारे में क्या सोचते हैं। थैंक यू।